आप सब लोग तो क्रिकेट का मैच देखते ही होंगे और आप सब ने यह तो देखा ही होगा कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरह के बॉल का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरह के बॉल का क्यों यूज़ किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि जो क्रिकेट में बॉल का यूज़ होता है उसकी प्राइस क्या होती है? क्रिकेट में ज़्यादातर दो तरह के बॉलों का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ साल पहले एक नए तरह के बॉल का इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे हम पिंक बॉल कहते हैं। रेड बॉल का यूज़ तो क्रिकेट की शुरुआत से ही किया जा रहा है। रेड बॉल पहले हर तरह के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता था। रेड बॉल व्हाइट बॉल से ज़्यादा हल्का और टिकाऊ होता है। रेड बॉल की कम विजिबिलिटी और लेस स्विंग होने के कारण एक नया बॉल का इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल को सबसे पहले 1992 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच के दिन इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि व्हाइट बॉल की विजिबिलिटी रात में ज़्यादा होती है और वह रेड बॉल से ज़्यादा स्विंग करता है। इसी वजह से व्हाइट बॉल का यूज़ वनडे और T20 में होता है। पिंक बॉल जो कि कुछ ही समय पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, पिंक बॉल को डे नाइट टेस्ट मैच के लिए यूज़ करते हैं। पिंक बॉल पूरी तरीके से रेड बॉल की तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि रात में विजिबिलिटी के कारण उसका रंग पिंक है। हर देश अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए गए बॉल को यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। कोकोबुरा जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है उसके द्वारा बनाए हुए बॉल को यूज़ करते हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ड्यूक जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाए हुए गए बॉल को यूज़ करते हैं। और इंडिया SG के बॉल को यूज़ करती है जो कि एक इंडियन कंपनी है। बॉल की प्राइस तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। कोकोबुरा और ड्यूक के द्वारा बनाए गए बॉल की कीमत करीब 12 से 15 हज़ार के बीच होती है और वहीं दूसरी ओर SG के द्वारा बनाए गए बॉल की कीमत 10 से 12 हज़ार के बीच होती है। तो कैसी लगी ये फैक्ट हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन